गन्ने नाल संबंधित किसानां दीआं मुश्किलां, गन्ना मिलां दे नाल संबंधित किसानां दीआं समस्यावां और कई किसान यूनियन दे जिहड़े सीनियर अहुदेदार साहिबान, साढ़े अफसर साहिबान, वित्त मंत्री साहब, अज असीं उत्थे काफ़ी अच्छे माहौल दे विच, बहुत खुशगवार माहौल दे विच अज मीटिंग हुई है। और पंजाब एक ऐसी स्टेट है जिदा कुछ दिन पहला तक इंडिया दे विच सब तो बेस्ट रेट गन्ने दा 380 रुपये पर क्विंटल सी। आ कुछ दिन पहला 1400 रुपये खट्टर साहब ने वधाए तो 386 हो गया उन्होंने। साढ़े कोले 16 गन्ना मिलां ने जी, 9 कोऑपरेटिव ने साड़ी सरकार दीआं ने, 7 प्राइवेट। और साड़ी सरकार आने तो बाद 700 करोड़ रुपया असी जिहड़ा शूगर केन डिपार्टमेंट का, शूगर फैट डिपार्टमेंट का असी दिता, जो कि पुरानी गौरमेंट छड के गई सी इन्हां कर्जा, सो 700 करोड़ असी दिता। हो इस वक्त पंजाब सरकार ने कोई पैसा नहीं देना शूगर फैट का, सिर्फ 2 मिलां इहो जिहियां ने जिन्हां ने गन्ने का पैसा देना है किसानों का, 46 लाख रुपया। तो एक धूरी की मिल है 14 करोड़ 86 लाख रुपया, वह भी असी उन्हां तो रिकवर कर रहे हैं। पिछले दिन ही तुसीं सुनिया होना, तुहाडे कैमरे राहीं तुसीं बोलिया भी होना, दस्या भी होना, दिखाया भी होना कि फगवाड़े की जिहड़ी शूगर मिल है उहदे जिहड़े मालक सीगे उन्हां ते परचा भी होया, तो उन्हां दी प्रॉपर्टी अटैच भी की है, तो वह प्रॉपर्टी नूं वेच के किसानों का जिहड़ा बकाया गन्ने का वह दिता जाऊगा। सो अज बहुत वधिया माहौल च गल होई है। और सब तो खुशी की गल यह है कि जिहड़ा रेल रोकना जां सड़क रोकना, यह जिहड़ा ट्रेंड है इहनूं खत्म करन लई अज खास तौर पर विशेष तौर पर गल होई कि इस तरह की नौबत आनी नहीं चाहिए भविख दे विच। गल करन दे होर बहुत सारे माध्यम ने, गल करन दे होर बहुत सारे वेन्यू ने, जिमें कि पंजाब भवन है। सो ये करना कि लोगों को तंग करके ही सरकार नाल गल करांगे, ये गल चंगी नहीं। सो सारिया यूनियन ने इस गल ते सहमति प्रकट की है कि जो लोगों को मुश्किल हुई ने भविख दे विच नहीं आने चाहिए है जी। जो तक गन्ने दे रेट नूं वधाउण बारे है, पंजाब हमेशा हर गल च टॉप ते रहा है, तो वादा किया क्योंकि जे साडे कोले पैसा होगा तो असी पब्लिक नूं दे देंगे। और खेती क्योंकि धुरा है साडे पंजाब दा, अग्रेरियन स्टेट है, तो फिर जे मिलां जिहड़ियां ने वो कमा रही ने तो वो किसान नूं भी वो पैसा मिलना चाहिए। सो आने वाले दिनों में एक बड़ी खुशखबरी भी किस गन्ना उत्पादकों को मिलेगी रेट के रूप के, फिर जो हड़ां वेले नुकसान होया मुआवजे के रूप च, सारे अधिकारी मेरे नाल अज मौजूद से उत्थे। ते सब तो वधिया गल ये हुई है कि उन्होंने वादा किया कि वो रेलवे ट्रैक तो फ्री हो गया, तो जिहड़ी हाईवे का जिहड़ा सर्विस रोड चल रही है, तो वह दूजा भी जिहड़ा मेन हाईवे वह भी खुल जूगा। भविख दे विच इस तरह की नौबत ना सरकार वाले पास्यों, ना ही किसी भी संगठन वाले पास्यों, भावें वह किसान यूनियन ने, भावें वह कोई मुलाजम जथेबंदियां ने, भावें कोई दुकानदार ने, व्यापारी ने, यह ट्रेंड जिहड़ा आम लोगों को तंग करन दा। उहदे नाल देखो आम लोग ही फिर उन्हां संगठनों के विरुद्ध हो जाते हैं कि सानू क्यों तंग कर रहे हो, तीन तीन चार चार घंटे पिंडां बिजली लंघ रहे हैं। तो लोग कहिंदे ने यार साडा की कसूर है इहदे, लोग कहिंदे ने यार होर इन्हां दा की कर देने तों वध जिन्ना हो रहा है। सो सारे पंजाब दे विच असी खुशखबरी
ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੇਡਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੇਡਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਐਥੇਨੋਲ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਖੰਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਗੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਫੈਡ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਰਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ 340 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਲਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਭਰਾ ਮਾਵਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੁਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਦੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 50% 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾ ਲਏ,
जिन्ने उन्हूं 5 किले झोने चो पैसे बचे उन्ने ही उन्हूं उन्ना 5 किलों चो बचने चाहिए है। इहदे वास्ते पंजाब सरकार इसलिए भी तैयार है कि जे उन्हूं 5 किले झोने चो 1.5 लाख रुपया बच गया, कुल 30,000 रुपया, चलो 1 किले का बच गया, चलो एक फिगर ला लें, तो दूजिया फसलों बीज के उन्होंने 1,10,000 बनया। असी 40,000 रुपया पे करने भी तैयार हाँ ताकि वह दोबारा झोने वाल ना आए, नहीं तो फिर अगली बार फिर झोना लगेगा, कहूगा मेरे से तजर्बे क्यों करते हो, मैंने तुम करके दसो की होंगे। सो सरकार हमेशा इस गल की है जो है कि असी अपना वातावरण खराब करिए, असी जे अक्तूबर नवंबर महीने जोड़े ने वो किनिया बीमारियां बढ़िया ने, खास तौर पर सह नाल फेफड़िया नाल संबंध छोटे छोटे बच्चे जां एक्सीडेंट होंगे ने, किनिया जाई मौत होंगे ने। सो सरकार वालों सहूलत वाले पास कोई कमी नहीं आऊगी। हजे कल डिटेल दे विच ऑर्डर आया मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जिदे विच उन्होंने लिखा है कि इन्हां बिलों ते एज़ सून एज़ पॉसीबल गवर्नर फैसला लैन। असी भी एक लैटर लिखा है कि गवर्नर जिहड़े, क्योंकि हुण तां इह सैशन लीगल है ना, पहले तो कहे सी इलीगल है 19 ते 20 जून वाला, तो फैसला मैं उम्मीद है कि गवर्नर साहब जल्दी फैसला लैणगे ताकि एक चुनी हुई गवर्नमेंट अपना जो विधानक ते संविधानक अधिकार है उहदी वरतों कर सके। मैं कदों कहा जी धरने लाने गलत ने जी, मैं क्या लोगों आपके विरुद्ध ना करो, धरने लाने का तरीका होंगे ना जी, धरना लाने का तरीका लोगों एंबूलेंसा रोक के जब तुम आम लोगों तंग करके तो की खटन के वेद क्रैडिबिलिटी घटती है। नॉट ओनली मैं दुनिया की गल नहीं करता, भावें कोई नेता हो भावें कोई होर संगठन हो तो बिना नहीं चल सकता। जे तुम लोगों ही तंग करके लोगों कहो जे 4 घंटे सड़क लभ लभ के पिंडा बच्चे गए ने, उन्होंने पूछ के देखो जी किसी की कोई इंटरव्यू से किसी कुछ से, वो कहें असी की लेना इन्होंने गलों तो, ज्यादा हो ना कि सरकार इन्नी अड़ियल हो पई है कि मनते ही नहीं मिलते ही नहीं। मेरे ख्याल साढ़े तो बाद तो कोई मिलता नहीं, अच्छ तो उन्होंने नाल ही रहने साढ़े ही हाँ, अच्छ तो हर रोज़ बुला बुला मैं तो अभी भी कहा उन्होंने कि बिना धरने तो भी आ लिया कदों कहीं चाह चू पानी पी लिया। देखो जी पता की है, देखो जी कल तुम ये कहोगे कि पंजाब आपका नवा सूरज ले आए है ना, हुण हवा ते कुदरत ते जोर थोड़ी चलता जी, पहला तो 8 जुलाई नूं कदे हाड़ी नहीं आए सीगे जी, पहले तो साढ़े मानसून का टाइम जो 31 जुलाई तो अगस्त के पहले हफ्ते होंगे सी, कुदरत है जी कदे गर्मी पहला पेगी कदे सर्दी पहला पेगी, कुदरत के मुताबिक तो चलना पेगा ना जी, हुण कुदरत तो वड्डा तो कोई हो नहीं सकता। हाँ उदों कुदरत नाल कोई नुकसान होया कोई होया वो सरकारां कर सकदियां जो आपदे आपदे हिसाब नाल, वो असी हवा के रुख तो चेंज बदल नहीं सकते, जो सूरज नूं तो असी चढ़नो जां डुबणो हटा नहीं सकते। मैं यही कह देखो असी जिहड़ा केंद्र सरकार नूं यही लिखिया कि असी सुप्रीम कोर्ट के विच भी यही ड्राफ्ट दिता है कि जिवें झोने नूं MSP मिलती है इहदे वांगू ही बाकी फसलां दे दो। एक मिनट जी हुण उहनां नूं कांग्रेसियां नूं पढ़ना नहीं आउंदा, वांगू शायद नहीं पढ़ सकते हो ना, वह कहते लो झोने तो MSP हटाउण बारे कहता। मैं कहा झोने वांग बाकियां ते भी दे दो, जिन्ना गैप होगा वह असी पे करन तैयार हाँ। सो साडी धरती इन्नी उपजाऊ है जो मर्जी बीज लो ठीक है ना, असी उपजा लेंगे, नरमा भी हो जूगा, मक्की हो जू, सूरजमुखी हो जू, सारी फसलां हो जांदियां ने। असी $200 बिलियन दीयां दालां कोलंबिया तो असी उधरों इंपोर्ट करते हैं मंगाने हैं, तो सानू दो ना दालां बीजने का मौका, चको साडियां दालां तो असी कोलंबिया तो मंगाना बंद करवा देंगे। पहला नहीं कणक आउंदी हुंदी सी अमरीका तो, ते हरी क्रांति ने आपां बंद करती सी। सो कुछ जे उन्हां दा होवे ना सेंटर दा पंजाब प्रति, तो घट्टो घट पंजाब नूं कल्ले किस्मत ते जां लावारस ना छड्डो, पंजाब नूं पंजाब दे किसान नूं ते पंजाब दी जिहड़ी दुकानदारी है व्यापार है जां पंजाब दा जिहड़ा जिवें कि साडी जियोग्राफिकल स्थिति है इधरले पासे साडे जिहड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर है, सो
इस करके सानू इस गल की चाहिए है, गारंटी चाहिए है कि असी आपदे ही नौजवान मुंडे फौज भर्ती करते हैं, बाद कोई इतने घटना हो जाए सानू केंद्र तो फौज लैनी पै जाए, सानू रेंट पर देंगे ने जी, वो किराया देना पैंता सानू उन्हों का, तो साढ़े अग्निवीर कह के साढ़े तो बच्चे दाशा सुट जाते हैं इदा ही एंबूलेंस तो प्राइवेट चो करके। सो पंजाब जिहड़ा वो हमेशा लीडर रहा है, लीड करता रहा हर इनकलाब नू, अज भी इंटरनेशनल बॉर्डर से साढ़े धिया पुत बैठे ने जिहड़े उन्होंने छातियां जिहड़ियां ने उडाइयां होईयां ने। सो इस करके पंजाब जिहड़ा देश का सब तो खुशहाल सूबा बनूगा, तो असी नंबर वन बणांगे, होर कोई तरीका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करांगे जी, आज 3 तरीक तो सैशन चल रहा है, साढ़े राज्यसभा के लोकसभा के मैंबर ये मामला उठाएंगे जी। थैंक यू।